हेलो फ्रेंड्स, जय साई राम। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो बिस्किट का केक बताने वाली हूँ जो सबसे कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला है। तो आइए मेरे साथ देखिए। मैंने बिस्किट पहले से ही निकाल के रखा हुआ था। मैं जो इसमें बिस्किट यूज़ कर रही हूँ वो बर्बन बिस्किट है और ओरियो बिस्किट है, जिसका 2 पैकेट मैंने बर्बन का लिया था और 2 पैकेट मैंने ओरियो का लिया था, जो सिर्फ 10 रुपये का आता है। और इसमें मैंने जो लिया है वो 1/4 कप दूध लिया हुआ है नॉर्मल टेम्परेचर वाला, और शुगर लिया है, एंड इसमें लिया है मैंने खाने का सोडा। और मैंने जो ये ऑयल लिया है वो आप सादा ऑयल भी ले सकते हो या फिर आप बटर भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं ऐसे बताऊँगी आप कैसे यूज़ करिएगा। तो आप ये सब रेडी करने के पहले आप एक बर्तन, एक गंज को गैस में रख दीजिएगा। उसमें मैंने रेती डाल के रखा हुआ है, प्लस एक स्टैंड रखा हुआ है जो बर्तन उसमें टच ना हो, केक पॉट उसमें टच ना हो। सो देखिए, जो बिस्किट जो था मैंने मिक्सी में पीस लिया हुआ, एकदम बारीक पाउडर बना लिया है उसका, और साथ ही मैंने उसमें शुगर भी यूज़ किया है। आप जितना मीठा खाते हो उसके हिसाब से आप शुगर ले सकते हो, अदरवाइज़ बिस्किट में भी शुगर रहता है। सो देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे मिक्स करते जा रही हूँ। बैटर अपना ज़्यादा पतला और ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। सो देखिए, आप देखते चलिए मैं किस तरीके से फेंट रही हूँ और इसमें किस तरीके से मैं दूध डालते जा रही हूँ। और आप मेरे बैटर को भी देखिएगा कि वो किस तरीके का दिख रहा है। सो देखिए, ये कुछ इस तरीके का हो गया है, और इसे कंटिन्यू फेंटते रहिएगा, रुकिएगा नहीं। सिर्फ ये देखते रहिए कि इसमें बबल्स ना आए और दानेदार ना रहे, ये एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से इसमें रिबिन बन रही है, तो ये रिबिन बनना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब मैंने जो बताया था, जो केक पॉट है उसमें आप या तो ऑयल या फिर बटर यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने ऑयल यूज़ किया है। ऑयल को मैंने पूरा पैन में फैला दिया हुआ है, केक पैन में, और उसमें मैंने हल्का सा पाउडर डस्ट किया हुआ है, वो इसीलिए किया हुआ है, मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। सो देखिए, अब ये पूरा फेट के हो चुका है, तो सबसे लास्ट में हम इसमें खाने का सोडा डालेंगे, जो मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। और इसे डालने के बाद तुरंत इसमें हल्का सा दूध डालिएगा, इसे प्लेन मत मिक्स करिएगा, लिक्विड करके ही मिक्स करिएगा। सो देखिए, अगर आप इसमें खाने का सोडा यूज़ कर रहे हो तो अगर डाल दिए हो तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू फेटते रहिएगा, इसे रोकिएगा नहीं। सो देखिए, अब इसे मैं कंटिन्यू फेट रही हूँ। फेटने के बाद इसे तुरंत बेक करना है हमें, तो मैं इसे अभी केक पॉट में डाल रही हूँ। तो मैंने सारा बैटर अभी केक पॉट में डाल दिया है, और इसे डालने के बाद हल्का सा टैप कर लीजिएगा, कहीं से एयर ना रहे इसमें। तो मैं इसे अभी टैप कर रही हूँ। टैप करने के बाद ये प्रॉपर सेट हो जाता है। तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट यूज़ कर रही हूँ, जो मैं सिर्फ ऊपर से डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें बैटर में भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसे ऊपर से डाल रही हूँ। तो हमने के बर्तन जो गर्म करने रखा था वो मैंने 20 मिनट पहले ही गर्म करने रखा था, जो मैंने पहले ही बताया था आपको। ये हल्का सा हीट हो जाता है, उसके बाद हम इसमें केक पॉट रख देंगे। केक पॉट रखने के बाद इसमें हम ढक देंगे इसे 20 मिनट के लिए, 20 या 25 मिनट के लिए। तो देखिए, अभी 20 मिनट हो चुका है इसका, तो मैं अभी इसे चेक कर रही हूँ। चेक करने का तरीका ये होगा, या तो आप टूथपिक या फिर आप मतलब चाकू की सहायता से इसे चेक कर लीजिए। इसमें डीप करिए वन साइड से, और देखिए इसमें चिपक रहा है केक या नहीं। अगर इसमें नहीं चिपका है, मतलब हमारा केक अभी रेडी हो चुका है। तो ये केक भी रेडी हो चुका है, तो इसे हम थोड़ा अभी ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम इसे बाहर निकालेंगे। तो देखिए, अब ये ठंडा हो चुका है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने इसमें आटा डस्ट किया हुआ है, वो इसीलिए कि इसमें केक चिपके ना। तो देखिए, अभी केक पूरा अलग हो चुका है, अब हम इसे प्लेटिंग कर रहे हैं। तो प्लेट पे मैंने इसे निकाल लिया, आप देख रहे हो किस तरीके का केक दिख रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा केक दिख रहा है, और एकदम मस्त बना था ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ ये लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय साई राम। ध्यान रखिए अपना।